गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे नाइन्थ का सेकंड लेसन, नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी, नेचुरल सेकंड लेसन है, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये आपका सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर ज्योग्राफी को एक प्लांट मान ले तो ज्योग्राफी का इंडिया और ज्योग्राफी का जो हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा है वो बेसिक रूप से ज्योग्राफी का रूट है, और ज्योग्राफी का ये जो लेसन है वह स्ट्रीम है। इस लेसन को अगर आप कमांड करते हैं तो आप फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आप बेटर ढंग से समझ लेंगे, बेटर ढंग से जान लेंगे। सेकेंड, अगर इस लेसन को आप बेटर ढंग से कंप्लीट करते हैं, बेटर ढंग से कमांड करते हैं, तो टेंथ का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको आप इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे, इजिली आप उसको अंडरस्टूड कर पाएंगे। इसलिए ये लेसन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वॉच एवरी वीडियो ऑफ दिस लेसन, आप इस लेसन का एवरी वीडियो आप वेरी केयरफुली, वेरी सेंसिटिवली एक बार दो बार आप रिव्यू करके बार बार इसको देखेंगे, क्योंकि नॉट ओनली दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी से अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी 100 में, तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से रहते हैं। नेचुरल डिविजन ऑफ इंडिया फर्स्ट सेकेंड लेशन है। सेकेंड लेशन का इसको हम अलग अलग ही नाम दे सकते हैं, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया है, इसका दूसरा नाम दे सकते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आप देखिए इसको अलग अलग नाम से एनसीईआरटी जो नाम दे, आप डिफरेंट नाम आप इसको दे सकते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बाद फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया आप इसका अलग नाम दे सकते हैं। आप फिजिकल नेचुरल डिवीजन, आप इसको एक और नाम दे सकते हैं नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये अलग इसके फोर नेम है, ये चार नाम अलग अलग आते हैं, आप इसका कोई भी एक नाम दे सकते हैं। नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया और द नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया, और एक और नाम दे सकते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दैट इज द डिफरेंट, दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ द लेसन सेकेंड। लेसन सेकेंड के डिफरेंट नेम है। अब इस लेसन में हम सबसे पहले जो पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे कॉन्टेंट्स का मतलब ये है कि व्हाट मैटर्स, व्हाट फैक्ट्स, व्हाट टॉपिक्स विल बी दे स्टडी इन दिस लेसन, दैट इज द कॉन्टेंट। सबसे पहले जैसे हम बाजार जाते हैं, बाजार जाने पे हमें हम बाजार में क्या खरीदेंगे, तो क्या खरीदेंगे, इस खरीदने के लिए हमें कंटेंट्स उसके एक लिस्ट शेड्यूल्स करना होता है, लिस्ट बनाना होता है। एट द सेम दे जीनियस स्टूडेंट और जो फर्स्ट स्टूडेंट है, जो जीनियस है, वह लेसन का सबसे पहले कंटेंट्स निकालते हैं, द मटेरियल्स, द फैक्टर्स, द इश्यूज, द टॉपिक्स व्हिच आर द मेंशन इन दिस लेसन, that will be the class that will be the classified, and then discuss, then learn, then study, it became the easier to the understood about the lesson। ये सबसे सरल उपाय है कि आप उस लेसन के कंटेंट्स को तोड़े। हमने सबसे पहले बताया इस लेसन के डिफरेंट नेम, इसका अलग अलग नाम हो सकता है, नेचुरल डिवीजन हो सकता है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया हो सकता है,
आप कह सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहते हैं, दीज आर द नेम ऑफ दीज लेसन्स एंड व्हाट कंटेंट्स आर मेंशन इन दिस टॉपिक्स इन दिस लेसन, दीज आर द मेंशंस एंड दिस लेसन्स आर नोन एज द कंटेंट्स। ओके, द कंटेंट्स में अगर हम पहले पढ़ेंगे द फर्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ, फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ ऑफ इंडिया। रिलीफ में बेसिक होता है माउंटेन प्लेट्यू और लैंड, हाउ द माउंटेन्स हाउ द फिजियोग्राफिक डिविजन आर फॉर्म, यानी इसके अंदर पढ़ेंगे मेथड टू द फॉर्मेशन ऑफ method to the formation of Indian physiographic division। okay, इस physiographic division को इस lesson में पढ़ेंगे, इसमें से two important contents पढ़ेंगे। first पढ़ेंगे continental theory, second पढ़ेंगे वह second होगा हमारा plate tectonic theory। these are the most two important method theory which are explained about the formation of Indian relief, Indian relief ke formation ke two important theory padhenge। second padhenge natural division of india ke andar mein jo padhenge aur basic roop se 6.5 आप उस सेकेंड कंटेंट्स को जो पढ़ेंगे, उस सेकेंड कंटेंट्स को पढ़ने के लिए हम देंगे तो सेकेंड है तो हमारा जो नेचुरल डिवीजन है वे कहते हैं देयर आर सिक्स नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे फास्ट द नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज, सेकेंड टॉपिक होगा वह होगा द ग्रेट Northern Plains, third होगा the peninsular plateau region, और fourth होगा the coastal plains, fifth होगा Indian desert और sixth होगा Indian islands। these are the second topics natural division of India। द फर्स्ट टॉपिक द ओरिजिन, मेथड ऑफ द ओरिजिन फर्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे और सेकेंड टॉपिक्स में पढ़ेंगे देयर आर द सिक्स डिवीजन ऑफ इंडिया, और इस सिक्स डिवीजन में द फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, द कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट एंड इंडियन आइलैंड। दीज आर द सिक्स इंपॉर्टेंट
divisions of India, there are the six physical physiographic part of our nation, or that will be the explained in the every topics that will be the explained in the next video. And next video में हम लोग अब एक-एक करके हम आपको इसका explanation करेंगे, इसका detail form पढ़ना है, हम एक-एक topics को आपको लेकर चलेंगे. सबसे पहले हम इस lesson को अगर आप समझो ध्यान से देखो तो इस लेसन को दो पार्ट में बांटेंगे. पहला जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे द थ्योरी, द कॉन्सेप्ट, द आइडियोलॉजी, द फिलॉसफी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन. इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन के डिफरेंट फेसेस पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. और इस कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेकेंड लेसन. सेकेंड लेसन को दो भाग में बांट रहे हैं, टू पार्ट्स में बांट रहे हैं, टू डिवीजन में बांट रहे हैं, यानी डिवीजन वन और डिवीजन टू. डिवीजन वन में हम पढ़ेंगे बेसिक रूप से ओरिजिन ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म, हाउ प्लेटू आर फॉर्म, हाउ प्लेन्स आर फॉर्म, हाउ आइसलैंड्स आर द फॉर्म. दीज आर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द फर्स्ट लेसन. एंड द सेकेंड डिवीजन ऑफ दिस लेसन इज द नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया और द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. द सेकेंड पार्ट है कि देयर आर द सिक्स फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ आवर नेशन और देयर आर द सिक्स और एवरी पॉइंट्स एवरी डिवीजंस विल बी द study and the extension form in details and with the explanation form, and then we understood how and what are the features. इसमें पढ़ेंगे the origin and the feature and extension in our nation. तीन चीजें पढ़ेंगे, इसका feature पढ़ेंगे, इसका extension पढ़ेंगे और इसका origin पढ़ेंगे. ये तीन अफ्रीका पढ़ेंगे with the physiographic पढ़ेंगे, with the mapping पढ़ेंगे, with the extension form में पढ़ेंगे. Next classes में, next video में, I will study the first division of the this lesson, यानी कि origin of the physiographic division. Okay, have a nice day. Thank you and learn to this topics and the division of this lesson. Okay, have a nice day. Bye.